राजस्थान में कोई भूखा ना सोए की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। अब शहरों की तर्ज पर इंदिरा रसोई योजना ग्रामीणों की जरूरत को पूरा करेगी। ग्रामीण इलाकों में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 12 बजे टोंक के निवाई स्थित झिलाई में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही विभिन्न जिलों में संचालित इंदिरा रसोइयों के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। गहलोत का 7.5 करोड़ 30 लाख भोजन थालियां परोसने का लक्ष्य। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय निकायों में करीब 1000 इंदिरा रसोइयों से लोगों को लाभ पहुंचाया है। सीएम गहलोत ने जयपुर में 18 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन के दौरान ग्रामीण कस्बों में 1000 इंदिरा रसोइयों का संचालन राजीविका के माध्यम से कराने की घोषणा की थी। अब 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में रविवार से यानी कि आज से योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं के आजीविका उपार्जन के अवसर बढ़ेंगे। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा नवीन रसोइयों की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि तथा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। इनके माध्यम से राजीविका की 10,000 से भी अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत। लीलाधर, आज से इंदिरा रसोइयों की अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरुआत की जा रही है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना का शुभारंभ करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आज का तरीका जहाँ तक बात की जाए, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो आम जनता को कुछ ना कुछ तोहफा देने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो AIC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज वो टोंक जिले के झिलाई जो जहाँ पे आ रही है विवेकानंद जो बात करे सभा स्थल पर आ रही है वहाँ पर आम जनता को संबोधित करेगी। और जहाँ तक इंदिरा गांधी रसोई की बात की जाए उसकी भी योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा सम्मेलन के माध्यम से। मैं आपको यह बताना चाहूंगा आशीष, पूरे राज्य में इंदिरा रसोई की संख्या अब 2000 के लगभग होगी। आज रविवार से प्रथम चरण में 400 रसोइया प्रारंभ होगी और 25 सितंबर तक 600 रसोइया की प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है जो शहरी क्षेत्र के अंदर सांझा थी उसको देखते हुए ग्रामीण इलाकों के अंदर भी इंदिरा गांधी रसोई की शुरुआत की गई है। और आप बताना चाहोगे क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना था कि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी दे और कोरोना काल के अंदर ऐसा किया गया कि किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना थी किसी को भूखा नहीं रखा, उसी के तहत 8 रुपए में खाना उपलब्ध किया गया। तो ऐसे में आज प्रियंका गांधी जो बात करें जो इंदिरा गांधी की जो पोती है इंदिरा गांधी के नाम से जो रसोई है आज उसका ग्रामीण क्षेत्रों में शुभारंभ करने जा रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का जो एक दौरा है राजस्थान के दौरे आगामी विधानसभा। लीलाधर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो ये थे हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत जिन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 400 रसोइयों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संकल्पना कोई भूखा ना सोए प्रदेश में, इसी को लेकर आज इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। शहरों की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5000 की आबादी वाले कस्बों में भी इस योजना का लाभ अब आम जनता को मिल सकेगा। 8 रुपए में इस योजना के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।